हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी रिजल्ट के बारे में। एंड मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, काफी स्टूडेंट ने अपने असेसमेंट दिए, टीसीएस एनक्यूटी असेसमेंट दिए, एंड अब बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, एंड ऑलरेडी टीसीएस ने काफी डिले कर दिया है। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ क्या रीजन रही जो टीसीएस एनक्यूटी के रिजल्ट डिले हो रही है, एंड कैसे आपको स्क्रैच से इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, एंड एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट जो मैं इससे पहले वीडियो के अंदर भी बताई है, एंड इस वीडियो के अंदर भी मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लोग बता रहा हूँ, एंड जो टॉप नॉच लेवल कंटेंट, जो टॉप नॉच लेवल प्लेलिस्ट आ रही है, उस चीज का आप लोगों को बस थोड़ा सा वेट करना है। बहुत जल्दी आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्या प्लेलिस्ट होने वाली है, क्या कॉन्टेंट होने वाला है, इस वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को बोल देता हूँ कि अभी के भी पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी बहुत सारा कॉन्टेंट आने वाला है। नोटिफिकेशन आपकी ऑन रहेगी, चैनल आपका सब्सक्राइब रहेगा, आप लोग को तुरंत के तुरंत वीडियो मिल जाएगी। एंड आप सभी स्टूडेंट के लिए कि आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन एट लीस्ट स्टार्ट कर सको। देखो, अभी से अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, रिजल्ट का वेट मत करो कि रिजल्ट एक मिनट लगेगी, रिजल्ट एक सेकेंड के अंदर आपका किसी भी डेट पे आ जाएगा। तो आपकी अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट रहेगी, आज से ही आप अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन लेके चलोगे, तभी आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। अगर कोई चीज हलवा होती, देखो 300 स्टूडेंट जाएंगे, सपोज एक कॉलेज से 300 स्टूडेंट जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, सो वहाँ पे 150-180 अप्रोक्स इतने वहाँ पे सिलेक्शन होने हैं, मैक्सिमम 200, ठीक है। अब वहाँ पे भी 100 स्टूडेंट्स सपोज करते हैं कि रिजेक्शन आया है, तो रिजेक्शन क्यों आया है, वो रिजेक्शन आपकी कमी से आएगा। एंड बहुत सारी प्रोफाइल है इसमें, निंजा डिजिटल प्राइम, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है वो पूरी स्क्रैच से बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड आप लोगों के लिए जो मैंने टॉप 20 इंटरव्यू शीट बनाई है, जिससे आप अपनी एट लीस्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, TCS NQT टॉप 20 इंटरव्यू शीट बनाई है, जिसके अंदर मैंने एंड मेरी पूरी टीम ने काफी ज्यादा एफर्ट किया है, एंड ये टॉप 20 बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ज्यादा रिपीटेड, बहुत ज्यादा क्वांटिटी वाले कि इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे। एंड मैं श्योरिटी से बोल रहा हूँ, अगर आप इस शीट को कर लोगे, एट लीस्ट आपसे 3-4 क्वेश्चन इंटरव्यूअर इस शीट के अंदर से पूछेगा, ठीक है। अब ये शीट कैसे आपको लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, चलते हैं शीट की तरफ। सो गाइस, डायरेक्टली आ जाना है टॉपमेट पे, आपको यहाँ पे मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, एंड यहाँ पे आप लोग के लिए टॉप 20 TCS NQT इंटरव्यू शीट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जाना है टॉप 20 TCS NQT इंटरव्यू शीट पे, जो मैंने अभी आपको बताया, ये टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चन अमेजिंग होने वाले हैं, काफी रिपीटेड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस शीट को अभी कभी ग्रैब कर लेना, गेट दिस पे आपको जाना है, एंड यहाँ पे नेम, ईमेल, फोन नंबर। अब आप लोग कहोगे कि भैया तो 11 रुपीज की थी, बट यहाँ पे शो कर रहा है 61, सो यहाँ पे आपको ये अनक्लिक कर देना है, एंड 11 रुपीज दिस इज ऑलमोस्ट फ्री, ठीक है। इसकी एक बहुत मिनिमम अमाउंट रखी है, नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड कन्फर्म एंड पे, ये आपको शीट मिल जाएगी। एंड अगर आप लोग को अपना रेज्यूमे रिव्यू एंड मॉक इंटरव्यूज वगैरह कराने होंगे, तो यहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल पे रेज्यूमे रिव्यू का सेक्शन मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आपको मॉक इंटरव्यू का मिल जाएगा, जिसके अंदर हम 1-to-1 मॉक इंटरव्यूज करने वाले हैं। ऑलरेडी काफी स्टूडेंट के मॉक इंटरव्यू लिए हैं, एंड काफी स्टूडेंट को सिलेक्शन दिलाया है, काफी सिलेक्शन रेट हमारे यहाँ पे है, सो आप अपना मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करा सकते हो। एंड ये PDF लेना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा, जाओ जाके शीट ले लो। अब हम बात करने वाले, जो आपने अभी असेसमेंट दिया है उसके अंदर आपने न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, जिसकी टाइमिंग रही थी, एंड आपका एडवांस सेक्शन रहा था, एंड इसके बेसिस पे आप शॉर्ट लिस्ट होगे फर्दर राउंड के लिए, इंटरव्यूज के लिए, ठीक है। अब आपका रिजल्ट जो हो रहा है वो डिले हो रहा है, जैसे आपको पता है कि 15th मार्च के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, ठीक है, 13th मार्च के अंदर दिया है, 31st मार्च के अंदर दिया है, एंड अप्रैल में भी कुछ स्टूडेंट के एग्जाम हुए हैं। सो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन थी, जैसे हमने प्रीवियस ट्रेंड भी देखा है 2024 के अंदर, 2023 के अंदर, सो एक्सपेक्टेशन क्या थी, एंड मैंने इस पे 2-3 वीडियो भी बनाई है कि कब आपके रिजल्ट आ जाएगी। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि आपके अप्रोक्स 1.5 मंथ के अंदर आपके रिजल्ट आ जाएंगे, या फिर 1 से 1.5 मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यही अब तक का प्रीवियस ट्रेंड रहा था, एंड TCS अप्रोक्स इतना टाइम लेता है, बट दिस टाइम रिजल्ट डिले हो रहा है। अब ये रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है, देखो इसका कोई, मैं आपको बिल्कुल एक चीज ये बताता हूँ जो लॉजिकल है, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो बिल्कुल लॉजिकल है, रिजल्ट डिले हो रहा है आपका। सो सबसे पहले कि भैया अब कब तक हमारे रिजल्ट आ जाएंगे, एंड आपने जो भी असेसमेंट दिया है, जो भी आपने TCS NQT के क्वेश्चन किए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही है, कि आपने कितने कोडिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने आपने वर्बल एबिलिटी के अटेम्प्ट किए हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है,
लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपकी प्रोबेबिलिटी प्राइम के लिए है, डिजिटल के लिए, निंजा के लिए है। क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स रहती है, हर एक स्टूडेंट की कमेंट करना पॉसिबल नहीं है, कमेंट पे रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, बट जितने स्टूडेंट की कमेंट पे रिप्लाई होगा, मैं वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ, उतनी स्टूडेंट की कमेंट पे रिप्लाई करूंगा, जो भी आपकी पॉसिबिलिटी होगी कि आपको प्राइम मिलनी है, डिजिटल मिलना है, आपको निंजा मिलना है, वो मैं बताऊंगा। बट मुझे आपको बताना है कि भैया हमने न्यूमेरिकल एबिलिटी में इतने क्वेश्चन किए हैं, वर्बल में, रीजनिंग में इतने, एडवांस में इतने, इतने परसेंट हमारा सही गया है, वो चीज़ आपको बतानी है। देखो आपको पता रहता है कि मैंने कितने परसेंट सही किया है। एंड मोस्टली हर स्टूडेंट को इंटरव्यू कॉल आएगी, बिकॉज हर एक स्टूडेंट ने एवरेज तो एटलीस्ट किया होगा। सो आपको निंजा के लिए तो श्योरिटी है कि निंजा के लिए आपको कॉल आ जाएगी। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। बात करते हैं रिजल्ट की। सो अभी रिजल्ट आई नहीं है, बट रिजल्ट कभी भी आ सकते हैं, किसी भी टाइम आप एक्सपेक्ट करते हो उस मे के अंदर, मिड ऑफ मे तक मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि आपके रिजल्ट आ जाएंगे। अदरवाइज आप ये कंप्लीट मे एक्सपेक्ट कर सकते हो। हो सकता है 2 दिन बाद आ जाए, 3 दिन बाद आ जाए, 4 दिन बाद आ जाए, 5 दिन बाद आ जाए, बट मिड ऑफ मे तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो रिजल्ट डिले हो रही है, बट इतने भी डिले नहीं होंगे, मे तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड देखो अभी कुछ स्टूडेंट्स के, कुछ नंबर स्टूडेंट बता रहा हूँ मैं, 10% सपोज 90% स्टूडेंट ने TCS का एग्जाम दे दिया, बट 10% स्टूडेंट के भी एग्जाम रह रहे हैं। सो हो सकता है अभी TCS जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम रह रहे हैं उसका वेट कर रही हो, एंड जैसे उनके एग्जाम कंप्लीट हो गए उसके बाद रिजल्ट आपके डिक्लेयर होगी। बट रिजल्ट हर स्टूडेंट के डिक्लेयर नहीं होंगे एक साथ, रिजल्ट डिक्लेयर होगे फेज वाइज। ये मैंने बार बार बोला है, हर वीडियो में बोला है कि रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन फेज वाइज। सो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है कि भैया रिजल्ट कब तक आ जाएंगे, क्यों डिले हो रहे हैं, इसका भी रीजन मैंने बता दिया है। अब हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू प्लेलिस्ट। ये मैंने इससे पहले वीडियो रिजल्ट डेट की एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर ही बताया था कि गाइज आप लोग के लिए वी आर लॉन्चिंग अ बिगेस्ट TCS NQT इंटरव्यू प्लेलिस्ट। एंड ये TCS NQT इंटरव्यू प्लेलिस्ट, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये ऐसी प्लेलिस्ट होने वाली है, आप कहोगे कि भैया ये क्या अपलोड कर दिया, इसके अंदर क्या क्या कॉन्टेंट होने वाला है। आपके ऊप्स इंटरव्यू वन शॉट होगा, जिसके अंदर आपके ऊप्स के क्वेश्चन होंगे, ऊप्स इंटरव्यू वन शॉट होगा, आपके बहुत सारे वन शॉट होने वाले हैं। अप्रोक्स 15 वीडियो हम टारगेट कर रहे हैं कि इस प्लेलिस्ट के अंदर रहने वाली है, एंड ये बिल्कुल फ्री होने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि कोई इस पे, कोई भी इस पे चार्ज लिया जाएगा, इस प्लेलिस्ट का कोई चार्ज रहेगा, देखने का आपको कोई चार्ज रहेगा, ये बिल्कुल फ्रीली आपको अवेलेबल की जाएगी। एंड ऐसा कॉन्टेंट अवेलेबल किया जाएगा, आप एक कोई भी 600, 700, 800 किसी भी यूट्यूबर, किसी भैया दीदी का कोर्स लेके देख लेना, एंड ये प्लेलिस्ट कर लेना। आप खुद बता दोगे कि भैया उस पेड कोर्स से ज्यादा इस फ्री प्लेलिस्ट के अंदर वैल्यू है, इस फ्री कंटेंट के अंदर वैल्यू है। आपको करना क्या है, चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखना है एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड SQL इंटरव्यू वन शॉट, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बहुत सारे वन शॉट आने वाले हैं। आपका प्रोजेक्ट कैसे एक्सप्लेन करना है, आपके HR क्वेश्चन, तो बहुत सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। आपको बहुत जल्दी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको उसके अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है, यस भैया वी वॉन्ट TCS NQT इंटरव्यू प्लेलिस्ट, बहुत जल्दी ये प्लेलिस्ट आ जाएगी। अब हम बात करने वाले, आपको सभी स्टूडेंट्स को पता है कि TCS ऑफर करती है निंजा डिजिटल प्राइम, ठीक है। निंजा आपका अंडर ग्रेजुएट 3.3 LPA, 7 LPA, 9 LPA, 3.5 LPA, 4 MC स्टूडेंट, MTech स्टूडेंट, 7.3 LPA, 11.5 LPA, ये तीन प्रोफाइल के लिए TCS आपको बुलाती है। बट सपोज आप प्राइम प्रोफाइल के इंटरव्यू के लिए गए हो एंड वहाँ पे आपका इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है, एवरेज हुआ है, सो वो आपको डिग्रेड करके डिजिटल भी दे सकती है और आपको निंजा भी दे सकती है एंड आपको रिजेक्शन भी दे सकती है। सो ये मत सोचना कि अगर मैं प्राइम के लिए जा रहा हूँ तो मैं लोक हो गया हूँ कि प्राइम ही मुझे मिलने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। प्राइम को डिग्रेड करके डिजिटल भी दे सकते हैं, निंजा भी दे सकते हैं। अब हम बात करने वाले इंटरव्यू प्रिपरेशन की। प्लेलिस्ट जो मैंने आपको बताई है, ये कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको देखनी है, 100% श्योरिटी है TCS का इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। एंड टॉप 20 TCS इंटरव्यू वन शीट लेना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, पिन कमेंट के अंदर भी मैं पिन कर दूंगा कमेंट को। ये शीट अमेजिंग शीट होने वाले, 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। इन 20 क्वेश्चन को प्रायोरिटी बेसिस पे कर लेना, आपके भैया बोल रहे हैं तो मतलब कर लेना। इंटरव्यू प्रिपरेशन मैंने अभी आपको बता दिया है, आपको प्रोजेक्ट कैसे एक्सप्लेन करना है ये आपको आना चाहिए, ऊप्स आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, DBMS आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, OS आपको पढ़ लेना है, OS एंड आपको CN थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें टेक स्टैक में, तो जिस पे भी आपका प्रोजेक्ट है
जिस भी टेक स्टैक पे प्रोजेक्ट है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, सर्टिफिकेशन आपने अच्छी तरीके से मेंशन कर देना, रेज्यूमे अच्छी तरीके से अपने बना लेना, ठीक है। तो ये आपकी रहने वाली है, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इंटरव्यू प्रिपरेशन की। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, कोई भी डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।